Gentlemen, may Michael Jackson, Funky Town Disco ka Malik. Jaise sari duniya janti hai ki mahine ke 30 din tak aap sab Funky Town Disco mein Michael Jackson ki tarah nachte ho, lekin mahine ke aakhri din par Funky Town Disco ban jata hai a fight arena. मौका आप सबको पैसा कमाने का. और अब आ रहा है रशिया का नंबर वन स्ट्रीट फाइटर ज़ाबिस्का. इसका नाम ज़ाबिस्को. इन फंकी टाउन डिस्को कौन हराएगा इसको? वन टू फाइव और जेकब बाज दूंगा. है कोई जो ज़ाबिस्को के साथ फाइट करेगा? है कोई? कोई नहीं. कसम मेरे भगवान माइकल जैक्सन की, यहाँ कोई नहीं हिम्मत वाला.
नया भाव एक का दो, एक का दो, एक का दो नया भाव। अरे यार, इस ट्रेन को भी इसी वक्त आना था। मेरी नींद खराब करने टिकट काट के। बरसों से इस मनहूस स्टेशन पे कोई यात्री उतरता तो है नहीं। टिकट किसकी काट दो, अपने बाप की, अपनी? हिम्मत वाला? हाँ, रामनगर गांव में आने की हिम्मत सिर्फ एक हिम्मत वाला ही कर सकता है। रामनगर आने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? क्योंकि आज तक मैंने यहाँ से लोगों को सिर्फ जाते हुए देखा है, आते हुए आज तक किसी को देखा ही नहीं। तुम पहले इंसान और शायद आखिरी। टिकट काट के? तो यूँ कहिए ना, यहाँ कोई भूत वूत है टिकट काट के? भूत नहीं, इंसान। एक ऐसा इंसान जो भूत से भी ज्यादा डरावना और खतरनाक है, उसने यहाँ के हर निवासी की टिकट काटी है टिकट काट के। वो आपकी तरह कोई टीसी है टिकट काट के? अरे नहीं नहीं, वो इस गांव का सरपंच है। उसकी मुट्ठी में हर गांव वाले की तकदीर कैद है टिकट काट के। उसकी वजह से न यहाँ पर कोई स्कूल है, न पुलिस स्टेशन है, न अस्पताल है। अगर रामनगर में कुछ है तो उसका रामन राज, वो इस गांव का कहर है, शेर सिंह। हमारा गाँव अहमदाबाद की तरह आबाद है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। सूरत की तरह हर गांव वाले की सूरत पे सुकून है। किसकी वजह से? मेरी वजह से।
कोई राजकोट की तरह राज कर रहा है तो कोई पूना की तरह पुण्य कमा रहा है। किसके वजह से? मेरी वजह से। और आप सोमालिया की तरह सम्मान में खड़े भी होंगे मेरे लिए। आओ शेषन जी, तालियां 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 गांव वालों, ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब इनके वजह से हुआ है। नमस्कार जी, दादी नमस्कार। आप मेरे पीछे खड़े थे, मैं तो समझ रहा था कि कोई जंगली सांड अपनी सिंह से मेरी पीठ में सिंगापुर कर रहा है। जीजा जी, बकवास बंद कर। जी क्या? जी क्या? जीजा जी, जीजा जी, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? नहीं जीजा जी, अगर आप दूरदर्शन है तो मैं छाया गीत हूँ, आप गटर है क्या तो मैं उसका गंदा पानी हूँ, आपको छोड़ के नहीं जा सकता। जी नारायण दास। जीजा जी, तू जब भी मेरी तारीफ करता है उसमें गाली की बू आती। गाली? मेरा तो नाम ही नारायण और मेरे तो नाम में ही दास है, मैं तो तारीफ कर रहा था। गांव वालों, ये आपको अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में संबोधित करेंगे। भौंकिए। ए माने अच्छा बोलिए। गांव वालों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो गांव वालों, हर 5 साल बाद सिर्फ मेरे कहने पर ग्राम पंचायत के चुनाव में आप मुझे इकलौते उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते, और ये सब आपका प्यार नहीं तो और क्या है, जहां एक उम्मीदवार अपने ही नाम का एक वोट डालकर जीत जाता है। शेर सिंह, शेर सिंह। लेकिन इस बार आप लोगों से विनती है मेरी, कोई एक तो उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा हो जाए। श्याम, बिरजू, यूसुफ, किशन। नहीं? अच्छा है गांव वालों, समझदार हो। नारायण दास चलते हैं। शेर सिंह जी, मैं खड़ा होऊंगा। बोल ले दो काका, सारे गांव वालों की जमीन तो आपके पास गिरवी पड़ी है, इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा, मैं भी रामनगर की धरती का लाल हूँ। गोपी बेटा इधर आ जा, जल्दी आ आजा, मैं तुझे चुनाव के कुछ कायदे सिखा दूँ। तू धरती का लाल है ना, आजा मेरे लाले, आजा। इधर आओ, घबराइए मत, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, इधर आओ। ये धरती के लाल को पता नहीं, थोड़ी देर में वो अर्थी का लाल होने वाला है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे जाने के बाद जब तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आएगी, अपना सीना तान कर तुम अपने टूटे फूटे झोपड़े में जाओगे, और जब खाना खाने बैठोगे तब शुरू होगी कहानी शेर सिंह के डंडे की। मैंने तुझे आज समझा दिया, तू आज फैसला कर ले कि तुझे कैसा कल चाहिए। हाँ चल, गांव वाले इंतजार कर रहे। गांव वालों, बहुत खुशी की बात है कि ये गोपी हमारे सामने चुनाव में खड़ा होने जा रहा है। नहीं नहीं भाई बाप, चुनाव में तो क्या, मैं अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, माफ करो। अरे बोलो, शेर सिंह की जय हो, शेर सिंह की जय हो, शेर सिंह की जय हो। ये सब आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है। जाइए भाई, अब चुनाव के दिन मुलाकात होगी। मानना पड़ेगा, जो भी आपकी बात नहीं मानता उसके कान के नीचे बजा के आप उसका कानपुर बना देते हो। क्या करे नारायण दास, इस गांव में कोई ऐसा मायकालाल पैदा भी तो नहीं हुआ तो इस शेर का मुकाबला कर सके। सावित्री देवी का घर है ना? हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते बेटा, बहुत सालों पहले वो और उसकी बेटी चले गए यहाँ से। कहाँ? इसी गांव के सरहद पर
दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। सुषमा चाची ने जो कपड़े सीने के लिए दिए थे वो मैंने सी लिए हैं, मैं देकर आती हूँ। अच्छा, अरे सुन तो बेटा, रात को पकाने के लिए कुछ नहीं है तो पहले किराने की दुकान पर जा, केशव जी से थोड़े से चावल उधार मांग लेना, वो चार बातें सुनाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। आप मैंने तो सुना था कि आहट से ही एक माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा आ रहा है। रवि, रवि, रवि मेरा बच्चा। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे लगा कि तुम दोनों मर चुके हो, इसलिए रामनगर लौट के वापस नहीं आए। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खुशी क्या सोई है। कम क्या खुशी है कि मेरी माँ और मेरी बहन दोनों जिंदा है, और काम इस बात का है कि इस हालत में क्यों मां, क्यों तू और पद्मा छोटे थे तब। दुर्गा है मेरी मां, अंबे है मेरी मां, दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। हो मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली, हो माता शेरों वाली, भर दो झोली खाली, दुर्गा है मेरी माँ। तुम्हारे पिताजी धर्ममूर्ति गांव के माने हुए पुजारी थे। गांव वाले जितना शेर सिंह से नफरत करते थे उतना ही तुम्हारे पिताजी की इज्जत करते थे, मगर एक दिन उन्होंने शेर सिंह को किसी की हत्या करते हुए देख लिया। तुम्हारे पिताजी ने उसी वक्त फैसला कर दिया कि गांव वालों को जाकर शेर सिंह का ये सच बता देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गांव वालों तक पहुंचते, शेर सिंह ने मंदिर से जेवरात चुराकर हमारे घर में छुपा दिए और गांव वालों के सामने तुम्हारे पिताजी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये साजिश है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। आ हा हा हा, क्या पंडित और पठान की जोड़ी है। एक बार सबको बता, तू इसका दोस्त है। शेर सिंह, गांव वालों को मुझ पर विश्वास है। और उसी विश्वास का तुमने विश्वासघात किया पंडित। गांव वालों, भूलना नहीं, तुम्हारे घर, तुम्हारे खेत, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है, मेरे पास। अब बताओ किस पर विश्वास करोगे, इस पंडित पर या मुझ पर। शेर सिंह ने पंचायत में झूठ को सच साबित करके तुम्हारे पिताजी को मुजरिम करार दे दिया। वो नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान सरे बाजार नीलाम हो रहा है, और शेर सिंह ने तुम्हारे पिताजी को बेइज्जत कर करके रामनगर गांव से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। Thank you.
तूने क्या किया? क्या किया तूने? छोड़ेंगे नहीं उसको। ओ दरवाजा! रवि मेरी बात सुन बेटा, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो वो लोग तुझे मार डालेंगे। दरवाजा! कुछ भी हो जाए रुकना मत, भागता ही चला जा, फिर लौट कर कभी बताना। कैसे क्या हो? लगा दो इसके घर को भाग, जल्दी कर भाग जा। सावित्री का पति चोर था, चोर। अब इसका बेटा खूनी निकला। देखो देखो कैसा कातिल ने हमला किया उसे तुम्हारे सरपंच पे। ऐसे चोर लुटेरे और पापी परिवार को हम गांव में कैसे रहने देंगे? इससे पहले कि गांव पे कोई अनर्थ आ जाए, निकाल के फेंक दो इन्हें बाहर, फेंक दो। शेर सिंह! नहीं रवि, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है। एक बार तो मैं तुझे खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। शेर सिंह की वजह से पिछले 20 सालों से हम दोनों रोज मरते आ रहे हैं। उसे इतने आसानी से मार देगा? आंसू की कीमत तब पता चलती है जब खुद की आंखों से बहे। उसे इतना रुला कि वो हंसना भूल जाए, उसे इतना मजबूर कर दे कि वो अपने मुंह से तेरे पिता की बेगुनाही साबित कर दे, उसकी सांसें नहीं उसका सुकून छीन ले तू। मुझ गरीब पे दया कीजिए नारायण दास जी, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। ठीक है, तेरे को 7 दिन दिया, 7 दिन के अंदर अगर सूद नहीं दिया तो लोहा लोहेक तो नहीं मैं तेरे को काट डालूंगा, समझ गया? क्या लाओ? नारायण दास जी, वो जो सावित्री का घर है ना, उसके घर का ताला तोड़ के कोई अंदर रहने आ गया। शेर सिंह को बताएं। काट, बंद कर काम। कौन है तू? किधर से? पुराने खंडर की गिरी हुई दीवार पे टंगी हुई बदसूरत तस्वीर के पीछे छिपी हुई गंदी चिपकली की फड़फड़ाती पूंछ पे लहराती हुई चींटी। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर का ताला तोड़ने की? बलवान, ये ले, ताला लगा ले। ये उसका हथौड़ा भारी नहीं है, हमारा ताला हल्का है। अगर तू ये ताला तोड़ सकता है तो मैं अगर ताला का ताला लगा सकता हूँ। अब क्या करोगे? अब तो हथौड़ा भी नहीं है। याद है कि हथौड़ा कीड़ों की बस्ती में कौन सा आ गया मकोड़ा? इधर ये मेरा स्टाइल है। अब मेरा स्टाइल दिखाता हूँ। मेरी एक आदत है, पहले मैं हंसाता हूँ। फिर रुलाता हूँ। रुलाता? वाह दुनिया, ये तुम गांव वालों का प्यार नहीं तो और क्या है? बस तुम्हारे घर के और जमीन के कागजात है मेरे पास गिरवी, और देखो
सिर्फ मेरे कहने पर। हर एक गांव वाला मुझे 3 टाइम का खाना खिलाता है। आज क्या लाए हो? मालिक, बहुत मुश्किल से बीवी का मंगल सूत्र गिरवी रखकर मटन की बिरयानी लाया हूँ। देखो तो। ये भिखारी लोग अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर, चलो बाहर। अरे जरा आंखों के झरोखे से देखिए जीजाजी। नहीं जीजाजी, कम से भिखारी होकर हमसे नाता जोड़ रहे है तू। ये जो लाल बाग की तरह जो आपको लाल लाल दिख रहा है, वो पहले आपके साले का थोबड़ा था। नारायण दास तू दुनिया वालों मुझे न दिखाना आईना, नहीं तो मैं बोलूंगा मेड इन चाइना। अरे वाह, आज खैरात के खाने में मटन की बिरयानी आई है। लेकिन तेरी हालत की किसने? पहले तो खड़ा था गांधी की तरह, फिर मुझे झाड़ दिया आंधी की तरह। अरे तुम्हारे पहलवान सब गिर गए माचिस के कांधी की तरह। अच्छा, रामनगर में किस कीमत हुई हमारे सामने खड़े रहने की? मेरी देखो देखो वो आगे, वो आगे। बिरयानी बहुत अच्छी है। ए, 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 मेरी नकल करता? ए, तेरे से मैं बोर हो गया। बी मेरी एक पुरानी आदत है, पहले मैं हंसाता हूँ फिर रुलाता। खामोश, तू कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ही देर में तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। नहीं नहीं, घबराओ मत, तुम्हें यहां कुछ नहीं करूंगा। चुपचाप यहां से खड़ा होकर दूसरे कमरे में जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होगी, मगर फिर शुरू होगी कहानी शेर सिंह के डंडे की। शराब, ये तेरे डंडे की कहानी बहुत पुरानी हो गई है, अब मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूं। रात को जब तू अपनी जंग जीती हुई मुस्कान लिए बाथरूम में घुसेगा, तब शुरू होगी कहानी इस साइको की। डंडा मारा ना, तू रहा था तो या मैंने? बकवास बंद कर, मेरे गांव में घुसकर मेरे घर पे कब्जा करके मेरी टेबल पर मेरी बिरयानी खाके मुझे मेरी कहानी सुनाने वाला तू है कौन? सीबीआई वाला, दिल्ली से आया हूँ। सरकार को तेरे सारे लैंड ग्रैबिंग के कांड के बारे में मालूम पड़ गया है। पहले मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, फिर दिल्ली से मिलिट्री बुलाऊंगा। और सुन, जिस घर का ताला मैंने तोड़ा था उसके सारे कागजात मुझे चाहिए 2 दिन में। 2 दिन में क्यों? क्योंकि तीसरा तुम लोग।
लोगों का चौथा होगा। साला मुझे डायलॉग सुना गया? नहीं, इससे आज के आज जिंदा गाड़ दिया तो रहने दीजिए जीजा जी, रहने दीजिए, गवर्नमेंट का आदमी है। अगर हम इससे लेंगे पंगा तो ये कर देगा हम सबको नंगा। वो क्या मेरा आप नरीमान पॉइंट समझो, इसको तो सही वक्त पे हम अंधेरे के अंधेरे में डाल देंगे, लेकिन फिलहाल शांति शांति, क्योंकि अगले ही सीन में आपकी बेटी रेखा शांति एक्सप्रेस से रामनगर आ रही है। ये तो शेर सिंह की बेटी, गरीबों की दुश्मन, ये तो मेरा टिकट काट देगी। I'm sorry girls, जब भी मैं ट्रेन से सफर करती हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। कैसे लगी बम्पेला? बैग उठाओ। बेबी, धूप में खड़े खड़े थक जाओगी, ऊपर चल के बैठो मेरी केबिन में, टिकट काट के ठंडा ठंडा पिलाऊंगा। ऑन द स्पॉट गोल्ड स्पॉट। चीटी, शट अप, शट अप। ए, उधर देख। तुम्हारी ये मचान, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे से मत करना। उधर देख, तुम्हारी गाड़ी आ रही है मामा जी के साथ। बांजी बांजी। मामा, ये कोई टाइम है आने का? पता है मैं यहाँ पे कब से रुकी हूँ? कब से? दस घंटे से नहीं नरेंद्र जी, 10 मिनट से। अच्छा अच्छा, 10 मिनट है तो ठीक है, 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट? मेरी जिंदगी के 10 मिनट की कीमत पता है क्या आपको? वो क्या है, हमारा ड्राइवर है ना, उसकी बहन की शादी बगल वाले छोटे शहर के बड़े हॉल में, इसलिए वो आज नहीं आया। मैं हूँ ना, मैं लेके जाता हूँ। हाउ डेयर ही, उसकी बहन की शादी मेरे 10 मिनट से ज्यादा कीमती नहीं है। अब वो अपनी बहन की शादी नहीं बर्बादी देखेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मेरी लाइफ के जो 10 मिनट बर्बाद हुए उसका क्या? बस बैठी बात हो गया, बस। अब इस तरफ से मार। अब देख क्या हाल करती हूँ मैं, तेरा और तेरी इस बहन की शादी का। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा मत कीजिए मैम साहब, मैं अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी आपके कदमों में रख रहा हूँ। आई हेट करीब। मैडम, गरीब के पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सर पर इज्जत की पगड़ी और पैरों में मेहनत की चप्पल। और जब सर की पगड़ी उछलती है तो पैरों की चप्पल हाथ में आ जाती है। पद्मा, मैं तो सिर्फ तुझे तेरी सहेली की शादी पर छोड़ने आया था, लेकिन अब लगता है कि भोजन खा के जाना पड़ेगा। ए मिस्टर, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा हीरो है? औकात में रह, मेरी हैसियत के सामने तू जीरो है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शेर सिंह की नाजायज औलाद है तू। नाजायज? What do you mean नाजायज? जिसके बाप ने हर काम नाजायज किया हो उसकी बेटी जायज कैसे हो सकती है? लाफ्टर। और सुनो, बाप कहता है गरीबी हटाओ और बेटी तो गरीबों को ही हटा रही है। तालियां। ये मेरी इंसल्ट किए जा रहा है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं? करने दे बेटा, करने दे। ये दिल्ली का बहुत बड़ा CBI ऑफिसर है, ये पहले हद आता है और फिर रूल आता है। मैं तेरे साथ हूँ ना, तू डर। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू करो। ए पंडित रुक जा, जब ये मंडप ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? बॉयज, जाके मंडप तोड़ दो। रुक जाओ, मंडप तोड़ना तो दूर की बात है, अगर तेरे किसी आदमी ने इस मंडप को छू भी लिया तो मैं खुद ये मंडप तोड़ दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेर सिंह की बेटी को भरी महफिल में सबके सामने नाचना पड़ेगा। चैलेंज मंजूर है? बांजी, तुझे नाचना आता है ना? शट अप मामा, मंजूर है तेरा चैलेंज। बॉयज, जो भी इस मंडप को छुएगा उसे मैं 2000 रुपए का इनाम दूंगी।
2000 રોકડા મળે તો મંડક શું હું તો તારા ફેફડા ફાડી નાખીશ એ મને 2000 રોકો એ તું પાજે તું ઊંઘી સરકા મસરૂન ટાકીને મી તુલા ઇદો પરડા 2000 રૂપાયા કી ના ઓને તુંડુ તુંડા કટ પોનીડવે 2000 ટકા જન્ને આ તો માર મો તો કે કે સોજા હોસ્પિટલ જતો હવે ઓય કાંજરા 2000 રૂપિયા વાસ્તે તા તેરે ટોટે ટોટે કરકે मैं ऐसे हवन कुंड विच नप जाऊंगा वे अरे तुम लोग क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरह अलग अलग भाषा में बात कर रहे हो जाओ मंडप छू મોટા ભાઈ ફેફડા ફાડવાનો હતો પોતાના ગાંઠિયા ફાફડા નીકળી ગયા ને કી દાદા 2000 ટકા હોસ્પિટલ એખું તુઈ જાવી 500 ટકા ગોર્ધનેર જોડને 500 ટકા ઔષધેર જોડને 1000 ટકા ભાંગા હાડેર જોડને કટ પની ટીવીયા உன்னோட தாத்தா வந்தாலும் அசிக்க முடியாது ஓய் பேந்தே டக்கே தூ மேரே டோட்டே டோட்டே கரன் சல்யாசி தூ தே ஆப்பி கோதா பன் கயா ஹே ஏ பாவு தூ மலா மசல்லா ரோத்தா பன்னி துஜி உசல் மிசல் கருண் டாக்லி மஜா நீ ஆயா நா அப் ஆயேகா ₹2000 बहुत बड़ी रकम होती है मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मंडप वहाँ जाओ अरे जाओ जी तू घुंघरू पहने की कि पाये शट अप मामा नाचना तो पड़ेगा वो कहावत तो तुमने सुनी होगी लातों के भूत जब नहीं माने बात तो खींच के दे दो उनके क्या 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 बम पे लात कभी हाँ मार दे पाए से कभी मार उसे थाए से
नहीं बेटी मेरी बात सुन, बात सुन, बात सुन। I hate गरीब। बेटी मेरी बात सुन। ये क्या कर रही हो बेटी? मैं बेटी हूँ हजार रुपये वाला। हाँ बेटी। I hate गरीब। डैडी, उस आदमी की ये जुर्रत, उसने सारे गांव वालों के सामने मेरा मुंह काला किया, मेरी बेइज्जती की, मेरा मजाक उड़ाया। अब यहाँ पे खड़े रहके देखेंगे या कुछ करेंगे भी? तू ठीक कह रही है बेटी, तू जाके आराम कर, उसकी नींद मैं आराम करूंगा। उस दिल्ली वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हरिया बाली चलो। अरे शांति जीजाजी, शांति। क्या शांति नारायण दास, क्या शांति? आज पूरे गांव वालों के सामने उसने मेरे बेटी के नाक कटवाई है। पिछली बार तुमने मुझे रेखा का वास्ता दिया था, अब किसका वास्ता दोगे? अब मैं आपको वास्ता नहीं दूंगा, अब मैं आपको रास्ता दूंगा। मतलब? वो सरकारी आदमी। और सरकारी आदमी का नाम वियतनाम से भी बड़ा होता है। चोट उसको पहुँचाओगे? दर्द इसलिए एक ही रीत सदा चली आई, अंडर द टेबल ऊपर की मलाई। फिर देखो वो आपके सामने हाथ पैर मारेगा नहीं, आपके सामने हाथ पैर जोड़ेगा। आप उसको बताइए, मैं भांजी को बताता हूँ, जाइए। ऐसे नहीं, हाथ में रखिए नोट विद अ स्माइल ऑन योर होम। जाइए जाइए। ये हुई ना बात शेर सिंह, अगर आप मुझे ये नोटों की गड्डी पहले ही दिखा देते तो मैं आपकी गद्दी हिलाने की जरूरत नहीं करता। लो 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 लो। वो क्या है ना, ये इस गांव में मेरी रिश्वत की पहली कमाई है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस रिश्वत की पहली कमाई को आप मेरी बात के हाथों में दें। वाह 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 वाह, माता जी को भी दिल्ली से बुला लिया, क्या फैमिली प्लानिंग है। धन्य हो उस माता जी का जिसने तुम्हारे जैसे बेईमान को पैदा किया। उनको बुला लो ताकि मैं उनके पैर छू सकूं। अभी बुलाता हूँ माँ। सावित्री, कौन है तू? तू दिल्ली का सीबीआई वाला है ना? ना मैं दिल्ली वाला, ना मैं सीबीआई वाला। एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा, हिम्मत वाला। ए सावित्री, तुझे लगता है तूने अपने बेटे को मेरे सामने खड़ा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना? बोलना मत, मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। हरिया वाली मारो साले को। ये मेरा बेटा रवि है शेर सिंह, ये तू मत भूलना। और कसम है मुझे अपनी माँ और अपनी बहन की, तेरी जिंदगी की मां पहन कर दूंगा। अरे नहीं नहीं जीजाजी, अरे वो 500 बार नहीं नहीं। इनसे तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लो आ गया, गरीबों का मसीहा आ गया। ओपन चैलेंज देने का बहुत शौक है ना तुझे, आज मैं तुझे एक ओपन चैलेंज देती हूँ। क्या कहा था तूने? तू रामनगर का शेर है तो जा बचा ले अपने रामनगर को इस शेर से। आज फैसला हो जाएगा कि असली शेर कौन है, तू या ये। हरिया खोल दे पिंजरा। ए
पड़ी ना, देख मुझे भी पड़ी। अब सुन, चुपचाप यहाँ से निकल ले जंगल की तरफ। इन गांव वालों में क्या रखा है, ये बेचारे सिंगल पसली और तू टाइगर असली है, और वैसे भी इनका आधा खून तो शेर सिंह चूस चुका है। तू इनको खाएगा तो लोग कहेंगे कि यू आर डाइटिंग, और जंगल में इतना खाना मिलेगा कि यू विल डाइटिंग। बैड जोक ना। अब सुन, चुपचाप निकल ले, और याद रखना, अगर तूने इस बस्ती पे फिर अटैक किया तो मैं तुम लोगों की बिरादरी को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि 20-30 साल बाद लोग क्या नारे लगाएंगे पता है? सेव द टाइगर। अच्छा लगेगा तुझे? नहीं ना, तो चल सुमड़ी में निकल जा, बैठ। बाय। आज अगर तुम नहीं होती तो ये सब नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो तुम नहीं होती। याद रखना, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। इंडिया ने जैसे वर्ल्ड कप उठाया, वैसे रवि इसकी ये हालत करेगा कि ये चाय का कप उठाने लायक भी नहीं रहेगा। चलेगा जीजा जी, आप यहाँ नकली शेर पे हाथ रख के पैर दबा रहे, और वहाँ रवि असली शेर के साथ पंजा लड़ा रहा है। पूरे गांव को उसने असली शेर से बचा लिया है। बोलो, पूरे गांव में उसका जय जयपुर हो रहा है। आपका सतारा गर्दिश में जीजा जी, कुछ कीजिए नहीं तो रवि आपकी कुर्सी पे बैठा होगा और आप यहाँ नीचे बैठ के उसके पैर दबा रहे होंगे, समझे? ए नारायण दास, औकात मेरे, बोलना नहीं। शेर दिन में 18 घंटे सोता है, लेकिन जब जागता है तब सबको सुला देता है। रन्ना, रन्ना आज ही जेल से छूटा है। नारायण दास, तूने जितनी सांसें ली है उससे कहीं ज्यादा धन्ना ने लाशें गिराई है, भूलना मत। जी। रवि का बाप मरा मेरी वजह से, आज रवि भी मरेगा, वो भी मेरी वजह से। धना, तेरे रामपुरी को रवि के खून से रंग दे। हो जाएगा। रवि, रवि। क्या हुआ? आज कौन सा जानवर छोड़ने आई हो? भालू, सांड, चीता या खुद को? रवि, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे पिताजी ने तुम्हें मारने के लिए खतरनाक गुंडे को भेजा है। अच्छा? वो आ गया। अच्छा, आप भी क्या? रवि, वो तुम्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे? रवि प्लीज, मेरा विश्वास करो। रवि प्लीज, पीछे मुड़ के देखो। रवि प्लीज।
शेरावाली का हाथ है मुझ पर। चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए जमीन पर, एक एक को जिंदा काट देगा ये हिम्मत वाला यहीं पर। रफी, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। तो रोक दो। कैसे? अरे 1983 है यार, पल्लू फाड़ो और बांधो। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो, तू ही छा गया, तू ही छा गया। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, ये सजनी पे दिल आ गया। क्या हुआ पद्मा? तुम मुझसे इतनी रूठी हुई क्यों? कह के गए थे कि एक साल में वापस आऊंगा, और आए कितने साल बाद? 4। जानता हूँ,
पद्मा, लेकिन दूरियां जब बढ़ती तो नजदीकियां भी फिर उतनी ही घटती। भैया को जब पता चलेगा ना कि तुम नारायण दास जी की बेटी हो तो मैं नारायण दास जी का बेटा हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, और तुम जानती हो कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। पद्मा, भैया ये नारायण दास का बेटा। रवि जी, चुप, भूल कर भी पद्मा से मिलने की भूल मत करना, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। रवि जी, मेरी बात, पद्मा तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? तू नारायण दास के बेटे से शादी करना चाहती है? माँ, बाप बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि बेटा भी बुरा हो। भूल गई तू? उसके बाप ने तेरे पिताजी के साथ क्या किया था? माँ, बाप की सजा बेटा क्यों भुगते? भैया, आजकल आपकी दोस्ती भी शेर सिंह की बेटी के साथ है। क्यों? क्योंकि वो भी अब अपने बाप जैसी नहीं रही, बदल गई है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो ठीक है, मैं शक्ति से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं जिंदगी भर किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। हमसे रिश्ता? ये जानते हुए कि हमारा छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, फिर भी सुर से माइसोर मिलाने आ गया तू? अरे मेरा बेटा कोई कोल्हापुरी चप्पल थोड़ी है जिसने चाह पैर घुसर दिया। नारायण दास, शायद आप जानते नहीं है कि शक्ति और पद्मा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शक्ति ने तो शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन अब फैसला बदल चुका है रवि। वहां आपने मेरी बात तक नहीं सुनी, मेरी इज्जत तक नहीं की, तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूं? हाँ शक्ति, तब मुझे नहीं पता था कि तुम और पद्मा एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे माफ करते मेरे यार, पद्मा से शादी कर ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। केरला के करेले से बरेली की बर्फी बनता जा रहा है तू? अरे मैं मेरे बेटे का रिश्ता उस घर में क्यों कराऊं जहां लड़की की माँ लोगों के कपड़े बर्तन साफ करती हो और बाप मंदिर में चोरी करता है। मेरे पिताजी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं हंसा हंसा के रुलाऊंगा, नहीं रुला रुला के रुलाऊंगा। गलती मेरी है, सोचा बेटा बाप पे नहीं गया होगा, लेकिन कुत्ता तो कुत्ते को ही जन्म देता है। अच्छा हुआ चला गया, वरना मैं उठ जाता, मतलब मेरा हाथ उठ जाता। अब मैं शेर सिंह को जाके खुशखबरी सुनाता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। क्या हुआ साली, लिफ्ट चाहिए? अरे मेरा घर तो ग्राउंड फ्लोर पे, मैं लिफ्ट का क्या करूँगा? जीजा जी, आज मैंने ऐसा तीर छोड़ा है कि सुनते ही आप मेरी हथेली की तपेली को चूमेंगे और मेरे चरणों के झरनों में डूबेंगे। ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा तूने? रवि आया था मेरा बेटे का हाथ मांगने अपनी बहन के लिए। फिर तूने क्या किया? निकाल दिया। गाड़ी रोको। क्यों ना दिया, क्या कर दिया? क्या इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया? मैं कब से इस मौके की ताक में था। मौका? हाँ। कैसा मौका? उसकी बहन उसकी कमजोरी है, अगर वो तेरी भूख बन गई तो उसकी कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। मैं समझा दे, इधर आओ। रवि जी मेरी बात सुनिए। रवि जी देखिए, कल आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं पद्मा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, ये शादी के लिए हाँ कह दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। लेकिन तू पद्मा को नहीं बताएगा, पद्मा को शादी का जोड़ा खरीद के मैं बताऊंगा। पर तेरे पिताजी? मेरे पिताजी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, देखिए उनकी हालत। मैं पापी हूँ, मैं गो पापी हूँ, मैं स्वाइन हूँ प्रभु, स्वाइन हूँ, मुझे स्वाइन फ्लू की बीमारी दे दे। अरे पिताजी, स्वाइन फ्लू जैसी कोई बीमारी नहीं होती। आ जाएगी बेटे, 20-30 साल में आ जाएगी। रवि डार्लिंग, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे पाप के कचरे को अपनी ईमानदारी के झाड़ू से साफ कर दे। ठीक है, कर दिया,
मैं बहुत बदल गया हूँ, ले ले। नहीं बस ठीक है। ले ले एक लगा दे, नहीं तो पूरे साल मेरी आंखों से चीरा पूंजी की तरह आंसुओं की बारिश होती ही रहेगी। अच्छा, लगा दे। आप इतना बोल रहे हो तो लगा देता हूँ। ये लाल वाली। आज राखी है क्या? हाँ बेटा, आज रक्षाबंधन है। सावित्री बहन, सावित्री बहन। अरे इकबाल चाचा, अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर आइए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बैठिए ना। हद से कब लौटे? आज सुबह ही आया बेटा। मैंने जैसे घर में रौनक देखी मैं समझ गया रवि लौट आया है, और अब तुम दोनों को भी वापस ले आया अपने घर में। बेटा, मैं सावित्री बहन के लिए मक्का से ये जमजम का पानी लेके आया हूँ, और रवि के लिए तावीज भी लेकर आया हूँ। ये फोटो अच्छे लग रहे हैं ना रवि भैया? रवि भैया, कौन हो तुम बताओ, कौन हो तुम? तुम मेरे भाई रवि नहीं हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाई रवि नहीं। अगर तुम मेरे भाई नहीं हो तो मेरा भाई रवि कहाँ है? क्यों तुमने हमारे साथ रवि बनने का नाटक किया? क्यों तुमने रवि की जगह ली? जवाब दो मुझे, जवाब दो। जरूर ब्लेस करेगा। तुम दोनों बच्चा लोग हर महीने की पहली तारीख को जरूर आ जाते हो। इस ऑफनेज के लिए तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है। क्या मम्मी, हम लोग सोशल सर्विस थोड़ी कर रहे हैं। हम अनाथों के लिए यही तो हमारा घर है, और बचपन से हम दोनों यहाँ पर पले बड़े। और हर औलाद का फर्ज होता है कि बड़े होकर अपने घर का खर्चा उठाए। रवि, रवि। मम्मी, अच्छा तो चलते। हाय मम्मी। ये लीजिए मम्मी, वो जितेंद्र की हिम्मत वाला लगी है, एक 50 मिलेगा ये वाला। रवि, नहीं नहीं, हम लोग पिक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है? ओके मम्मी, बाय। गॉड ब्लेस यू माय सन्स। ये क्या कहावत है यार, कर भला तो हो भला। तू स्ट्रीट फाइटिंग करता है, मैं उस पर बेटिंग करता हूँ। हम लोग जितना कमाते हैं आधे से ज्यादा मम्मी को दे देते हैं, अब हमारा भला कब होगा? होगा होगा, आज हम लोगों का भला कर रहे हैं, कल ऊपर वाला हमारा भला करेगा। इकबाल चाचा, इकबाल चाचा, चाचा पहचाना? नहीं बेटा। रवि, 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 रामनगर का रवि, चाचा आपके दोस्त पुजारी धर्म मूर्ति का बेटा रवि। रवि? हाँ चाचा, रवि। हाँ रवि चाचा।
तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चाचा, जब से गांव छोड़ दिया तब से बस यहीं पर हूँ। चाचा, ये मेरा दोस्त, मेरा भाई, सलाम, मेरा सब कुछ है चाचा। जी चलो बेटा, तू लौट के रामनगर क्यों नहीं आया बेटा? चाचा, जिस गांव ने मुझसे मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन छीन ली, उस गांव में आकर मैं क्या करता? नहीं बेटा, नहीं, तेरी अम्मी और तेरी बहन दोनों जिंदा हैं। क्या? हाँ, मेरी बात का यकीन कर बेटा, मगर वो दोनों किस कैफियत में जी रही हैं तू अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर मैं फौरन हज के लिए रवाना ना हो रहा होता तो मैं खुद तुझे लिए चलता। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि सावित्री बहन और पदवा को उनका रवि मिल जाए। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। देखा, कर भला सो हो भला। मान गया, मान गया तुझे भी और उस ऊपर वाले को भी। चलो, हम में से कोई एक तो अनाथ नहीं है। खबरदार, आज से हम दोनों अनाथ नहीं है। आज से मेरी माँ, तेरी माँ, मेरी बहन, तेरी बहन। मेरी माँ ने एक बेटा खोया था, अब दो बेटे पाएगी। चल चल, गाँव चलते। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे माँ देखेगी तो पागल हो जाएगी। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ता जोड़ने से ही रिश्ता नहीं होता। मेरा रिश्ता मेरे भाई रवि के साथ था, तुम्हारे साथ ना है ना कभी होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। सच्चाई तो ये है कि तुम मेरे भाई रवि नहीं हो। की बहन आ रही है, वो भी अकेली। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? तेरे भाई को चाकू की तेज धार पकड़ने का बहुत शौक है ना? हमें भी शौक है तेज करारी चीज पकड़ने का। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तेरा भाई गांव का हिम्मत वाला है ना, अभी उसको बताऊंगा धन्ना की हिम्मत, समझी?
ढूंढ जाए उसे। तेरा भाई अपनी जान दे देगा। अब तुझे यहाँ हमसे कौन बचाएगा? हाँ, बोल बोल। इज्जत और जान दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। मेरी बहन की इज्जत तो आज मैं तुम लोगों से बचा लूंगा। सवाल यह है कि तुम लोगों की जान मुझसे कौन बचाएगा? किस्मती तो हमारी बहन बहू बेटियों की है। इस देश में जन्म लेने से पहले कोख में जान का खतरा और जन्म लेने के बाद इज्जत का। मगर आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब जब किसी औरत पर जुल्म होगा तब तब हर इंसान बनेगा हिम्मत वाला। ये तावीज रवि भैया के लिए लाए थे और अब ये तावीज मेरा भाई रवि ही पहनेगा। क्या हुआ नारायण दास, आज तेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तेरे बेटे की शादी हो रही है और तेरा मुंह जमीन पे लटका हुआ है। मैंने मेरे बेटे को विलायत भेजा, पढ़ाई के लिए इतना कराची किया, मतलब खर्चा किया। सोचा था किसी मालेगांव की मालदार पार्टी को डावरी के बावरी में डुबो दूंगा, मेरा कुरला कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपने किसी कड़की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला बाद क्या किया, मेरे सारे सपने डलाउजी के दलदल में बह गए।
अपने बहन के लिए एक रुपया मिला और शादी का खर्चा। नारायण दास तू फिक्र मत कर, अपने बेटे की शादी धूमधाम से मना, मैं तुझे 50,000 रुपया दूंगा। 50,000? 50,000? अरे 50,000 मिल जाए तो मैं मेरे बेटे की शादी किसी बोरी बंदर के बंदर जैसे भी करवा दू, अरे आपसे भी करवा दू। रंडास आप रंड रहे हैं ना, कर लो। चलो नारायण दास। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी होगी। वैसे शादी करवाने वाले हम कौन है? ये तो शक्ति और पद्मा का प्यार नहीं तो और क्या है? अरे आपको क्या है? आपको क्या है? मेरा तो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा ही हलाल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वादे के मुताबिक जो लाख रुपया बोला था वो निकालिए फटाफट। चलिए कौन से 1,00,000 रुपया? कौन से 1,00,000? मैंने मेरे कवारे बेटे की जवानी का सौदा जो किया था 1,00,000 में, वो 1,00,000 चलिए फटाफट निकालिए। मैंने 1,00,000 रुपए नहीं 50,000 कहे थे। जीजा जी मुझे क्या होनोलूलु समझा है? मुरब्बे वाला चूतू समझा? आपने साफ साफ 1,00,000 रुपया देने का कहा था। हाँ वहाँ पे शहनाई की आवाज उतरी थी कि आपने शायद सुना नहीं होगा कि आपने क्या बक दिया। चलिए निकालिए। नारायण दास मुझे उल्लू बनाओ, उल्लू समझू मत, वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पे ले जाके लिटा दूंगा। एक जगह नारायण कटेगा, दूसरी जगह दास। मेरी उम्र का तकाजा है जीजा जी। जवान लड़कियों की तरह याददाश्त ने भी अब मेरे से मुंह मोड़ लिया है। बराबर है, आपने मुझे कहा था 50,000 देंगे। बराबर है, 50,000 देंगे। मैंने 5,000 कहा था। 5,000? कमीने, हरामखोर, चोर। नारायण दास नहीं, ये रामनगर वाले जो आपकी कदर नहीं करते। सुना है ये लोग अगले चुनाव में अपने नए हीरो रवि को खड़ा करने वाले आप सामने। क्या बकवास कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए जीजा जी, रवि बनेगा नया सरपंच और आके मारेगा आपके सर पे पंच। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा नारायण दास। तू शायद भूल गया कि रवि की सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत है। तेरे और तेरे बेटे के जरिए उसे इतना तड़पाऊंगा कि रवि मजबूर होकर चुनाव से अपना नाम वापस ले लेगा। जाओ नारायण दास, रवि की बहन पर इतना जुल्म करो कि उसके पुरखों की आत्मा तक कांप उठे। जाओ। पद्मा, पद्मा जी। ये क्या? हाँ इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, 5 मिनट में मेरे कपड़े इस्तेमाल करके लेके आ, समझी? जी मैं अभी नौकरों को बोलती हूँ। नौकर को बोलती हूँ? मैंने घर के सारे नौकर को निकाल दिया आज से। क्यों, तुझे घर का काम करने में शर्म आती? हाँ नहीं, शर्म कैसी, ये तो मेरा फर्ज है। तेरा फर्ज है ना, तो जा जाकर मेरे कपड़े लेके आ। जा बाहू। ओ बाहू। जी पिताजी। बहू क्या है कि तुम्हारे घर में आने के बाद हमने सारे नौकरों को निकाल दिया, ये फर्श भी सारा गंदा हो गया। ये फर्श मैं तो साफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ ना। जी पिताजी। तो ये फर्श कौन साफ करेगा? तेरे बाप। उठा जानो। जी आई। खाना तैयार हो गया? खाना मैं वो। अरे खाना तू नहीं बनाएगी, तेरी माँ बनाएगी। मैं। चुप। 5 मिनट में मेरा खाना तैयार नहीं हुआ ना तो मोर मोर के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझी? जा।
बहू बहू घर में एक भी बूंद नहीं है पीने को, जाओ कुएं से पानी भर के लेके आओ। पिताजी सारा पानी ऐसे फेंक के कहते हैं कि घर में एक बूंद पानी की नहीं है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी आप मुझे ऐसे ही सजा दे रहे हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम तुम पे जुलम कर रहे हैं शक्ति? हाँ, हम लोग क्या दुश्मनी कर रहे हैं शक्ति? हम लोग क्या बुरे लोग हैं शक्ति? क्या हुआ बाबूजी? अच्छा हुआ शक्ति बेटा तू आ गया। पता है इसने मुझे क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा बहू बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे गिलास पानी पिला दे। तो ये कहती है क्या रे बुड्ढे पानी पीना तो खुद ले गया। अभी उम्र में तेरा बाप खुद पानी ले लेगा, मुझे इससे बचा ले नहीं तो मुझे मारेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान पिता से ऐसे बात करने की? रुक, अभी तुझे ठीक करता हूं। एक रात तबेल में सोई के दिमाग ठिकाने आ जाएगा, समझी? भैया पद्मा, तू ठीक है ना? तुम्हारी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। शक्ति से शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ भैया, बहुत पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। लेकिन हुआ क्या? बोलना। भैया वो लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के पद से तुम अपना नाम वापस ले लो और इस पर दस्तखत कर दो। पहले मैंने मना कर दिया था पर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा, बहुत मारा। और ये भी कहा कि अगर तुमने साइन नहीं की तो घर आने की कोई जरूरत नहीं। पद्मा, माँ, माँ, हद तक गिर गए वो लोग, मेरे बच्चे की जरिए बदला ले रहे हैं। मैं उनको ऐसा नहीं करने दूंगा। पद्मा उस घर में नहीं जाएगी। नहीं रवि, जिस घर में दुल्हन की डोली जाती है वहां से सिर्फ उसकी अर्थी उठती है। और ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तभी वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। मेरे बच्चे की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं वो लोग। परीक्षा ले रहे आज एक भाई के सामने एक हिम्मत वाला हार गया। लेकिन माँ इसके बाद उसने अगर कभी इसके भी बाद क्या? हाँ, इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग इसे फिर से मारेंगे। ये फिर से यहाँ पर आकर गिड़गिड़ाएगी और हर बार एक भाई ऐसे ही झुक जाएगा, टूट जाएगा। मानना पड़ेगा शेर सिंह को। क्या पैतरा मारा है, हमसे कहा कि बहन को तड़पाओ तो भाई तिलमिला उठेगा और वही हुआ। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत बन चुकी है और तू कुछ नहीं कर सकता। पद्मा वो पेपर यहाँ लाओ। एक पति ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, एक पत्नी ने वो किया जो उसे करना चाहिए था, एक भाई ने वो किया जो एक भाई को करना चाहिए था, लेकिन अब एक बहन वो करेगी जो एक बहन को करना चाहिए।
तुम्हारी माँ ने मुझे पद्मा के बारे में सब बताया, मैं सब जानती हूँ। लेकिन तुम वो नहीं जानती जो सिर्फ पद्मा और मैं जानते। मैं रवि नहीं हूं। रवि की वजह से मुझे एक परिवार मिला, एक मां मिली, एक बहन मिली, और आज मैं उस बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने तुम्हारे नाम से नहीं, तुमसे प्यार किया है। बदनसीबी तो मेरी है कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, मेरा बाप है। लेकिन अब एक बाप की बर्बादी के पीछे एक बेटी का हाथ होगा। अगर तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बहन है तो मेरे बाप की कमजोरी मैं हूं। शेर सिंह ने तुम्हारी बहन का फायदा उठाया ना, अब तुम शेर सिंह की बेटी का फायदा उठाओगे। हुकाम, ये दोनों बोगी खाली हैं। खाना इंजन में है टिकट काट के। तुम्हारी तुम यहाँ हो तो आज रेलवे स्टेशन पे कौन है? रेलवे स्टेशन पे जाके क्या करूँगा सरकार, आपके डर से रेलवे स्टेशन का वही हाल है जैसा इन दो डब्बों का है, खाली टिकट काट के। बनवारी हुकम, ये खाना तूने खुद बनाया? नहीं सरकार, मेरी जोरू ने बनाया अपने हाथों से टिकट काट के। वाह, जी चाहते उसके हाथ चूम लो। हुकम, नाम क्या है उसका? छुक छुकी टिकट काट के। वाह। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रही हो? अचार। सिर्फ अचार? सिर्फ अचार। सिर्फ अचार? आप जितना गांव वालों पे करती हो अत्याचार, आपकी बेटी उससे ज्यादा खा रही है अचार टिकट काट के। तो खाने दो, मेरी बेटी है जो चाहे खा लेगी। बेटी, ये अचार के अलावा और भी कुछ खट्टा खाने को जी करता है? कल रात को मैं ना 10 कैरियां खा गई। 10 कैरियां खा गई? और फिर आज सुबह मैं एक पूरी प्लेट इमली खा गई। एक पूरी प्लेट इमली खा गई? और अब पता है मैं इस अचार की पूरी बरनी खा जाऊंगी। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, पूरी बरनी खा रही है, पूरी बरनी, मुबारक हो। डैडी कुछ समझे? हाँ समझ गए। क्या? हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, है? लाओ मुझे भी दो। वाकई अच्छा है। ये आदमी समझा नहीं, जब बिन ब्याही जवान लड़की सुबह से खट्टा खाती है इसका मतलब है किसी ने उसकी टिकट काट ली। ये तुम क्या पढ़ रही हो बेटी? पिताजी वो ये क्या है? क्या है पिताजी? ये एक बहुत ही स्पेशल किताब है। अच्छा, बिना पति गर्भवती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि भगवान मुझे ये दिन भी दिखाएगा। पिताजी प्लीज नाराज मत होइए। नाराज कहा बेटी, मैं तो खुश हूँ। आज तक मैंने तुम्हें इलस्ट्रेटेड वीकली, स्टार एंड स्टाइल, मायापुरी जैसे मैगजीन पढ़ते हुए देखा था। जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें किताब पढ़ते हुए देख रहा हूँ। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। पढ़ो बेटी पढ़ो, ढेर सारी किताबें पढ़ो। क्या 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 नाम है लेखक का? डॉक्टर उम्मीद पेट से। वाह वाह वाह, शेक्सपियर, कालिदास, डॉक्टर उम्मीद पेट से। पढ़ो पढ़ो बेटी पढ़ो, ऐसी किताबें पढ़ो पढ़ो।
बिना पति गर्भवती बाय डॉक्टर उम्मीद पेट से कितना बड़ा बेटू क्या ये तकिया है डैडी आपको क्या हो गया नहीं सुनो सुनो मतलब उठ जा उठ जा उठ जा देखो मुझे पता चल गया क्या तुम्हारी बच्ची में पेट है मतलब तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या ये आपको पता चल गया मैंने छुपाने की कितनी कोशिश की फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया अब कितने स्मार्ट हो शेर सिंह को अंडा पैदा होने से पहले ऑमलेट की खुशबू आ जाती है पता किस नाक के साथ अपने कुत्ते कटा गया ये मतलब किस कुत्ते के साथ अपना नाक कटा गया ये बताओ 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 अरे बताओ ना ठीक है बताती हूँ लेकिन बताने से पहले मेरी दो शर्तें मंजूर सैंक्शन सैंक्शन बोलो पहली शर्त ये है कि मेरी आप उससे शादी कराओगे वो तो करवानी पड़ेगी ना पापी सवाल का जो पेट है मतलब पापी पेट का जो सवाल है और दूसरी शर्त ये है कि जब मैं आपको इसके बाप का नाम बताऊंगी आपके चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान रहेगी मुस्कान अरे किस नहीं ठीक है फिर मैं नहीं बताती देखो मुस्कान का थोड़ा चिपक गया मतलब थोड़ी में मुस्कान चिपक गई बताता थोड़ी और थोड़ी और जब मैं आपको उसका नाम बताऊंगी ये मुस्कान जानी नहीं नहीं चिपक गई आपकी बेटी को माँ बनाने वाला और कोई नहीं रवि है मुस्कान ही जानी चाहिए कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग रवि की बच्ची तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे बिना पटक के रेलवे लाइन पे ले जाके तेरा कीपा बनाऊंगा डैडी अगर अपने रवि को छुआ भी तो आज ऊपर जो फैन लटक रहा है कल मेरी लाश लटक रही होगी नहीं बेटी नहीं ऐसी अशुभ बातें नहीं करते तू जैसा चाहेगी वैसे होगा बता बेटी बता ठीक है तो जाइए और अपने दामाद को इज्जत से इस घर में बुलाइए रवि और इस घर में इज्जत से रवि इस घर में आओ खुशियां मनाओ शेर सिंह अरे रवि बाबू मेरे बेटे गांव के हिम्मत वाले सुस्वागत तुम अरे वाह अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन आज पहुंच गई हैदराबाद अच्छा मजाक कर लेते हो कुछ खाओगे पियोगे कॉफी टी और मी 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 ओ शेर सिंह शेर सिंह शेर सिंह इतनी इज्जत से बात मत करो इज्जत को भी शर्म आ जाएगी तुमसे एक जरूर आपसे एक जरूरी काम था भौंको मेरी बेटी उससे है किससे है उससे किससे अब मेरी बेटी वो उम्मीद से है किस किस्म की उम्मीद मेरी बेटी का पैर भारी है गिर गई थी क्या अरे मेरे बाप मेरी बेटी माँ बनने वाली है मुबारक हो अरे मजाक मत करो मेरी बच्ची के बच्चे के बाप तुम हो एक मिनट शेर सिंह क्या सबूत है कि मैं हूँ तेरी बच्ची के बच्चे का बाप उसी ने मुझसे कहा तुम ही हो मेरे बच्चे के बच्चे के बाप तुम उसने शादी कर लो वरना वो खुदकुशी कर लेगी अच्छा फिर मुझे रेखा से बात करनी पड़ेगी हाँ हाँ बिल्कुल 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 चेक करना पड़ेगा कि मैं हूँ तेरी बच्ची के बच्चे का बाप तुरंत तुरंत एक मिनट तुम यहीं खड़े रहोगे नीचे क्यों वो जर्मनी की कहावत नहीं सुनी जब मियां बीवी राजी तो नीचे खड़ा रहेगा नाजी मियां बीवी राजी तो नीचे खड़ा रहेगा नाजी हे हे Zagir, zagir, taki, 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 re. Taki, ho taki, re, taki, 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 re. Jab se tu aankh mein jaagi. Ho taki, ho taki, re, taki, 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 re. Jab se tu aankh mein jaagi. Ho ab usme taak din ho gaya. Ab kya reh gaya baaki? Taki, ho taki. ताकी 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 रे जब से मैं आँख में झांकी
आपके घर में पार्टी चली तो आपने मुझे बुलाया नहीं। मैं तो बिना पास के सीधा गेट क्रैश कर दिया। या कोई बड़ी बड़ी नहीं, कोई पार्टी नहीं है तो गाना गाने बज रहा है ये। वो बब रेडियो 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 बज रहा है। अब क्या रेडियो तो नीचे आवर तो ऊपर से आ रही है। मेरा घर है, मैंने हर कमरे में रेडियो लगाया। वाह, मैंने ऊपर वाला रेडियो देखा नहीं, अभी देख के आता हूं। क्या है क्या है, जरा अपने घर में वैसे परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। रेडियो इधर है, इधर लगता है ये रेडियो नहीं बज रहा है, कुछ और ही बज रहा है। भीगे भीगे होठों से गोरे गोरे रंग से लिपटा रहूं मैं तेरे इस अंग से। इश्क हमारा भी अब रंग लाएगा, हम जो मिले हैं तो बड़ा मजा आएगा। और आपस में ताक दिन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकि ओ ताकि ओ ताकि 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 रे जब से मैं आँख में झाकी। जब से तू आंख में जागी। अब तेरे बाप को नाना मैं बनाऊंगा। आपस में ताक धीन हो गया, क्या रह गया बाकी। ताकि हो ताकि हाँ ताकि 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 रे जब से तू आंख में जाती। आपस में ताक धीन हो गया, क्या रह गया बाकी। ताकि ताकि रे जब से तू आंख में जागी। जागो मोह प्यारे। कौन है? मुबारक हो। हाँ? बच्चा मेरा ये। मैं आज ही पंडित जी को बिना पटक की रेलवे लाइन की कहानी सुनाकर कल के शादी का मुहूर्त तय कर लेता हूँ। शादी? हाँ। ये मेरी शादी करने की उम्र थोड़ी यार। रवि के बच्चे। रवि के बच्चे नहीं, रवि का बच्चा। हाँ बेटे, मेरे बेटे रवि, तू शादी के लिए ना क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं कोई भी काम अपनी माँ की इजाजत के बगैर नहीं करता। जैसे मेरी बेटी को माँ बनाने से पहले अपनी माँ की इजाजत ली थी। देखो रवि, बेटे की खुशी में तो माँ की खुशी होती है। बेटे रवि, मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटे रवि, कर ले शादी। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है। सर कौन सी शर्त? आज से नारायण दास और शक्ति मेरी बहन को नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह रखेंगे। घर का सारा काम काज मेरी बहन नहीं, वो दोनों करेगी। और उन्हें सुपरवाइज करेगा तू। मैं? और तुझे सुपरवाइज करूंगा मैं। और अगर तुम लोगों ने दिखाए तेवर, तो तेरी बेटी कुंवारी माँ रवि के बच्चे। रवि का बच्चा। अब लगाओ झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा। आपने मेरी पहली बहन से शादी की, आप रंडवे हो गए, मैं कुछ नहीं बोला। आपने दूसरी बहन से शादी की, फिर से रंडवे हो गए, मैं कुछ नहीं बोला। बिना धन बेटे की शादी करवा, मैं कुछ बोला। बहू पे जुलम करवा, मैं कुछ बोला। लेकिन अब तो हद आ गई, अब मैं बोलूं क्या? मेरा ही घर में मुझसे पोछा मरवा रहा है, युगांडा समझा क्या? पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे दीजिए। ले ले। ए, क्या कर रही हो बेटी? आज के बाद इस घर में काम सिर्फ यही करेंगे, तुम आराम करो।
लेकिन मैं जाओ बेटी वो देखो ठीक से साफ करो, ठीक से फर्श को ऐसा चमकाओ कि शक्ल नजर आनी चाहिए। शक्ल शक्ल का अंधा इधर ऐसा चमकाऊंगा कि शेर सिंह घर के कमोड में बैठा होगा और शक्ल यहां नजर आएगी। अब क्या तुम भी पोछा मारोगे? नहीं ना, चली जाओ। ये इतने सारे बर्तन में कैसे धोऊंगा? YouTube की मदद से। YouTube? हाँ, ये यू आकार वाले ट्यूब में पानी भरो और बर्तन पे छिड़को। ये ले शेर सिंह जी, ये आप मेरे पिताजी से क्या काम करवा रहे हैं? अच्छा हुआ शक्ति तू आ गया। जा अंदर जा और अपने बीवी के पैर दबा। क्या? मैं पद्मा के पैर दबाऊंगा? मैं पद्मा के पैर नहीं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पत्नी के पैरों में ही तो पति का स्वर्ग है। उसके बाद भैंसों को कौन धोएगा? भैंसों को कौन धोएगा? भैंसों को मैं धोऊंगा। मैं धोऊंगा। ये क्या कर रहे हो? जरा ठीक से, ठीक से, ठीक से पानी डाल। सुन गई है वो? शेर सिंह जी, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दू? पिछौड़ा कौन साफ करेगा? पिछौड़ा बाकी है। देखो देखो कितना गोबर लगा हुआ है। डोंट वेस्ट है, उसका गोबर गैस बनाएंगे। गोबर गैस। मैं थक गया, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ बस बस, भारत की तरह मेरा रवि भी महान महान। आज मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम लोग तबेले में सोगे। मैं क्यों सोऊंगा बेटा? तुम दोनों की वजह से मेरी बहन तबेले में सोई थी, अब तुम दोनों तबेले में सोगे। नहीं नहीं, मैं तो हरगिज नहीं सोऊंगा। मैं नहीं। नारायण दास, तबेले में सोना है, चलो। तबेले में एक ही खाट है जीजाजी, आप फिट होंगे ना? तुम मेरा कान क्यों चूम रहे हो? क्योंकि तुम्हारे कान तुम्हारे होंठ से ज्यादा टेस्टी है। नारायण दास, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? दो तकियों के बीच में है। नारायण दास, वो तकिए नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड़ खाओगे? खाया। नारायण दास, भूख लगी है? नाश्ता? जाओ मेरे लिए लेके आओ। जाओ। मैंने कल से प्रोग्राम बनाया था, ये बड़े बड़े केकड़े में बहुत से पकवाऊंगा, दारू पीऊंगा, जलसा करूंगा। आप मेरे द्वार क्या है जीजाजी? मेरा अंग अंग हरिद्वार चला गया, शरीर का एक एक हिस्सा चिल्ला रहा है भारत बहन, भारत बहन। तो तू नाश्ता नहीं बनाएगा? बहुत थक गया है तू, तेरा हाथ या पैर एक इंच भी नहीं हिला सकता। ठीक है, अभी तुझे ठीक करता हूँ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। दामाजी, ये क्या हो रहा है? नारायण दास की जबान बहुत चल रही थी, अब केकड़े की जबान चल रही है। चाय की दुकान, फुलपुर दंडी। मतलब? मतलब आपके लिए नाश्ता बनाने से इनकार किया तो मैंने केकड़ा उठा लिया।
ऐसे फिर तो फिर मैंने ऐसे करके उसका पैसा मांग लिया ऐसे फिर मैंने उसमें केकड़ा डाल दिया ऐसे रेल लगा बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक धर्मपुर मैंगलोर मांडवा मांडवा रायपुर जयपुर रायपुर तलेगांव तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ? आपका केकड़ा तो जानवरों का हिम्मत वाला निकला। बहुत भुक्का था बेचारा। देखो मैंने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी, अब तो मेरी बेटी से शादी कर लो। जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी एक शर्त है। वही तो कह रहा हूँ कि मेरी एक शर्त है। कुछ शर्त है? इतिहास की एक बहुत बुरी आदत है, वो कभी न कभी फिर से दोहराती जरूर है। और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के इतिहास में शेर सिंह की तरह एक काबिल उम्मीदवार एक नया सितारा उभरा है, रवि। क्यों शेर सिंह? हाँ 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 जीजाजी, आपके दिमाग को क्या दीमक चढ़ गया? आप क्यों बोल रहे? आज तक शेर सिंह ने जगह जगह बिजली के खंभे लगवाए लेकिन बिजली नहीं दी। ये बात तो सच है, आपने गिरधारी की बीवी बिजली भी कहा उसको वापस दी। लेकिन कोई बिजली ला सकता है तो सिर्फ मैं। ये पनवती लाया मैं उन्नति लाऊंगा, ये कटौती लाया मैं प्रगति लाऊंगा, ये दुर्गति लाया मैं गर्भवती लाऊंगा। ए, ए, मतलब घर घर में बत्ती लाएगा? घर बत्ती बत्ती। इसीलिए शेर सिंह ने ये फैसला लिया है कि वो अपना नाम सरपंच के पद से हटाकर मेरा नाम नियुक्त करेंगे। ये इनका प्यार नहीं तो और क्या है? चलिए, और इतिहास की वो बुरी आदत फिर से दोहराने वाली, इस बार शेर सिंह की तरह मैं भी एक ही वोट से जीतने वाला हूं। पूछो कैसे? अपने नाम का वो एक वोट मैं स्वयं डालूंगा। ये सुलभ मैं नहीं होने दूंगा। अपने नाम का वो एक वोट मैं स्वयं डालूंगा। नारायणदास, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर खड़े रहिए यहाँ पे। नारायणदास आइए गांव वालों, अब देखते हैं कि इस गांव का नया सरपंच कौन है। अरे ये तो रवि है, यानी मैं। शादी करोगे ना? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन तुमने तो कहा था एक ही शर्त है। वही तो कह रहा हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या? गांव वालों, शेर सिंह का बड़प्पन देखिए। इस सरपंच के सिर्फ कहने पर शेर सिंह ने आप लोगों की जमीन के सारे कागजात लौटाने का फैसला कर लिया है। रवि भैया की जय! रवि भैया की जय! रवि भैया की जय! ये इनका प्यार नहीं तो और क्या है? रवि के बच्चे। रवि के बच्चे नहीं, रवि का बच्चा। आइए। इसका फतेहपुर विजयवाड़ा हो रहा है और ये रवि का बच्चा, ये क्या है? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये आपके घर के कागजात हैं। रवि एक सेकेंड। जी क्या हुआ? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने तो कमाल कर दिया।
कमाल मैंने नहीं, कमाल तो तुमने किया है। अगर तुमने प्रेग्नेंट होने का नाटक नहीं किया होता तो ये सब होता? अगर आज रवि जिंदा होता तो बहुत खुश होता। तुमने ना सिर्फ उसके परिवार को, उसके पूरे गांव को अपना लिया। Arre, 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 arre
सावित्री मंदिर में अच्छा है, अपने पति और परिवार के पापों की माफी तो रोज मांगनी चाहिए, लेकिन तू कितनी भी आरतियां उतार ले इस पापी के पाप कभी धुलने वाले नहीं है। रामनगर वालों, ये आदमी जिसे तुम अपना मसीहा मानते हो, ये आदमी जो तुम्हारा सरपंच है, ये आदमी जो खुद को इस औरत का बेटा और इस औरत का भाई कहलाता है, वो असलियत में रवि है ही नहीं। नेहरू के आइए, रवि रवि ये क्या बोल रहा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? माँ ये सच है, ये रवि नहीं है, रवि भैया मर चुके हैं। तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, मेरा दूध नहीं पिया, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे गोद में नहीं खेला, नहीं मेरी उंगली थाम कर चलना सिखाया, लेकिन तू मेरे बेटे से भी बढ़कर है। ये मेरे बेटे से भी बढ़कर है शेर सिंह, इसने यहाँ आकर आज तक जो कुछ भी किया है, शायद मेरा अपना बेटा होता तो वो भी नहीं कर पाता। अरे ये माँ उस माँ को सलाम करती है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। तू यहाँ क्या देखने आया था शेर सिंह? क्या देखने आया था? यही कि ये सब सुनकर मैं इसके साथ क्या सलूक करूंगी? तो देख ले, इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो आज मैं करने जा रही हूं। आज एक माँ बेटे के पैर छुएगी। ऊपर वाले ने जिसके कदमों में जन्नत रख दी हो, वो किसी और के पैरों में झुक जाए। और सिर्फ रवि के कहने पर मैं यहाँ नहीं आया, मेरा बस स्वार्थ था। जैसे एक रोटी की अहमियत एक भूखा जानता है, जिंदगी की अहमियत एक मरने वाला जानता है, वैसे ही माँ की अहमियत सिर्फ एक अनाथ ही जान सकता। खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा तो ये बहन तेरी बहन है और ये माँ तेरी माँ है। ये रवि ना ये यहाँ जन्म लेने वाला, एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा, हिम्मत वाला।
गांव वालों, तुम लोगों से बड़ा इमोशनल द फूल्स मैंने देखा ही नहीं है। बह गए ना जज्बात में, हमको तो पता ही था कि अच्छा होने वाला है, इसलिए हम पहले से ही तरकीब सोची थी। क्यों शक्ति? अबे ओए हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत बहुत ताकत है ना तुझमें। शहर का बहुत बड़ा स्ट्रीट फाइटर है तू, लेकिन ये मत भूलना कि वहां पे तू एक पग पे सिर्फ एक फाइटर से लड़ता था। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तू क्या करेगा जब तेरे सामने एक वक्त पे 20 फाइटर होंगे। नूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो वाकई हिम्मत वाला है। बेटे यहां से भाग जा। Thank you.
अब क्या करेगी सावित्री? तेरा ये बेटा भी करे उस बेटे के पास जा रहा है। अब ना तू कुछ कर पाएगी ना तेरी माँ शेरा वाली। बस माँ बस, और कितना इम्तिहान लेगी तू? तूने मेरे पति को सीलन भरी बॉन्ड दी, मैं चुप रही। मुझे और मेरे बच्चों को मौत से भी बदतर जिंदगी मिली, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। माँ आज अगर तूने मेरे बच्चे को नहीं बचाया तो मेरी तरह दुनिया की हर माँ का विश्वास तुझसे उठ जाएगा। माँ कोई चमत्कार दिखा दे, मेरे बच्चे को बचा ले माँ, मेरे बच्चे को बचा ले माँ, मेरे बच्चे को बचा ले। Thank you.
जाने दे। देखा, जिसे तूने मौत से बदतर जिंदगी दी वो तुझे आज मौत के बदले जिंदगी दे रही है। भाइयों, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं रवि नहीं हूं, मुझे माफ करना। मैं अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। नहीं रवि भैया, हम आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नहीं, नहीं। गांव वाले ठीक कह रहे, तुम ये गांव छोड़ के नहीं जा सकते। तुम चले गए तो गांव में से सच्चाई चली जाएगी। किसी को गांव छोड़ना चाहिए तो मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस गांव में जितने भी बुरे काम हुए वो मैंने किए हैं। सावित्री देवी, इस काबिल तो हूं नहीं, पर मुझे माफ कर दीजिए। गांव वालों, धर्म मूर्ति जी वाकई धर्म की मूर्ति थी, उनको मैंने ही फंसाया था, मैंने उन पर कीचड़ उछाला था। सावित्री देवी, सचमुच मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु जी, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। अरे गांव वालों, ये देखो, मैं 2000 किलोमीटर दूर से 3 बार डीजल बदली करके किसको लेके आया हूँ? पुलिस। और ये है रामगढ़ का रावण, चंबल का डाकू, रामगढ़ का गब्बर सिंह, खेल सिंह, पकड़ रही सर। तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया, समझ गया? माँ, मदर इंडिया, ब्रदर इंडिया, समझी? नहीं समझे? अरे बाहू, वाह 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 वाह, कितनी हैंडसम लग रही हो। हाँ, तुमने मुझे माफ कर दिया, ठीक है, तो अब तुम मेरे पैर छू सकते हो, ठीक है? ओए गांव वालों, रवि बाबू की जय, रवि बाबू की जय। अरे वाह, लाल शर्ट, वाकई तू इस गांव का लाल है, सच में लाल। मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, और कुत्ता क्या दे सकता है? पापी। इतने सारे हैं ऐसे। सावित्री, बहुत मक्खियां घूम रही, पकड़ लो, मच्छर लग रहा है। हिम्मत वाला गुड लक बेस, मुंह मीठा करो। अरे तू स्क्रैच क्यों कर रहा है? अरे वो गुदगुदी हो गई सर मेरे को। अरे दादी, तेरे सुना क्या बोला? क्या 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 बोला? बोलता वो गुदगुदी हो गई मेरे को। अपने नाम का वो एक वोट, मैं 2-3 आ गए। चाचा जल्दी बोलो ना। दुकान है उस क्या दाए है, क्या इसकी शान है। एक और मारो, पता ही नहीं, कुछ हिलता ही नहीं इसका। अक्षर
क्या क्या है? फास्ट बोलिए फास्ट। चार मीनार ला कनफिस पुंदी कड़ा। No, I will not marry you. He's a ham, yaar, he's a ham. Yeah, but if he's doing it badly, I'll do even worse, no? You're doing this. Thank an animal without saying anything. How would you thank an animal?